अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है आप सबका फातिमा खान चैनल पर। और आज हम बना रहे हैं तंदूरी रोटी। उसके लिए हमें चाहिए 2 चम्मच बारीक सूजी, एकदम बारीक वाली जो सूजी होती है ना वो, और ये है बेकिंग पाउडर, हाफ चम्मच मैंने लिया है बेकिंग पाउडर। और ये मीठा खाता सोडा जिसको बोलते हैं, जो हम भजिए में यूज़ करते हैं वो वाला, 1 चम्मच मैंने शक्कर ली है। ये 1 चम्मच नमक है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक कम ज़्यादा स्वाद अनुसार डाल सकते हो। ये आधा कप दही ली है मैंने, और ये मक्खन और ऑयल, डेढ़ डेढ़ चम्मच इसमें ऑयल है और 1.5 चम्मच मक्खन है। और ये मैदा लिया है मैंने, ये मैदा मेरा 300 ग्राम मैदा है, 300 ग्राम मैदा लिया है मैंने, और 1 कप दूध लिया है। अभी हम इसमें एक एक करके सब चीज़ें डाल देंगे। अभी हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच सूजी, नमक, बेकिंग पाउडर, खाता सोडा, और ये 1 चम्मच शक्कर। और ये तेल, दही भी डाल देंगे। आपकी दही अगर खट्टी हो तो आप आधा कप लीजिएगा। इसी के साथ में इसमें दूध भी ऐड कर दूंगी। अब इसका एक सॉफ्ट डो बना के तैयार कर लेंगे हम लोग। अगर आपको और ऐसा लगता है तो आप इसमें पानी भी ऐड कर सकते हो। इसमें पानी ऐड करूंगी। ये डो हमारा रेडी हो गया है, कुछ इस तरीके का डो चाहिए हमें। इसको मैं थोड़ा तेल लगा लूंगी, तेल लगा के इसे इसे 2 घंटे के लिए ढक कर रख देंगे। आप लोग चाहे तो गीले कपड़े से भी ढक सकते हो, मैं इसी से ढक दूंगी और इसे 2 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। 2 घंटा हो चुका है। ये हमारा तंदूरी का आटा देखिए, अभी इसको हमको इसे हाथ से मसल के इसमें से पूरा एयर निकाल लेना है। अच्छे से इसको हाथों से मसल लेना है इसे। ये देखिए, इसके लिए मैंने लिया है कलौंजी, ये सफेद तिल लिया है मैंने, थोड़ा सा हरा धनिया बारीक चॉप किया हुआ बारीक, इसको मैंने ये कर लिया है, और ये थोड़ा ऑयल लिया है। अभी हम इसको बेल लेंगे। एक प्याले में पानी लिया है मैंने, और थोड़ा सूखा मैदा लिया है। अब हम एक छोटी लोई लेंगे, ये साइज की लोई ले लेंगे हम। देखिए, मैं बहुत बड़ा और बहुत छोटा नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मेरे तवे का साइज छोटा है। ये मेरे तवे का साइज है, और हम तवा
हैंडल वाला चाहिए, इस तरीके का, इस तरीके का तवा चाहिए हमें। लोई पे इस तरह से आटा लगाकर मैदा लगा दिया है मैंने इसे। अब इसको हम इस तरीके से बस हमें इसे ऐसे ही बेलना है। इसे बहुत पतला या बहुत मोटा नहीं, एकदम जैसे हम पंजाबी समोसे के लिए उसकी जो रोटी हम बनाते हैं उस टाइप का चाहिए हमें। देखिए ऐसी ऐसी रोटी चाहिए हमें, ना ये बहुत पतली होनी चाहिए ना बहुत मोटी। इस पे मैं थोड़ा पानी लगा लूँगी और मैं इस पे थोड़ी कलौंजी, थोड़ी सफ़ेद तिल और थोड़ा हरा धनिया डालकर इस पर ऐसे बेलन चला लूँगी ऐसे। ये देखिए अब इसका जो पिछला हिस्सा है, देखिए रोटी के पिछले हिस्से पे हमको इस तरह से पानी लगा लेना है, हल्का हल्का पानी। ये देखिए ये पानी मैं इस पर ऐसे हल्का हल्का लगा दूंगी पूरी रोटी पर। अब इसे मैं तवे पे डाल दूंगी, तवा मेरा गर्म हो चुका है तो मैं इस तरह से इसको डाल दूंगी। रवि से ऐसे ही पकने देंगे। अब हम इस पर थोड़ा सा तेल लगा देंगे, देखिए ऐसे। अब इसे मैं इस तरह से पलट कर इस पर पका लूंगी, देखिए इस तरह पलट कर पकाऊंगी। देखिए इस तरीके से माशाल्लाह देखिए पक रही है हमारी। अब ऐसे ही मैं दूसरी साइड से भी इसे पका लूंगी। गैस की आँच कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हो, आप इसे देखते जाए और इसे इस तरह से पका लें। देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा कलर आया है, कुछ मुश्किल नहीं है। हम भी रेस्टोरेंट स्टाइल में घर में इस तरह से तंदूरी रोटी बना सकते हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं है। देखिए देखिए माशाल्लाह। अब इससे हम इस तरीके से चम्मच की मदद से, मैं आपको पीछे से भी दिखाती हूँ, देखिए पीछे से भी देखिए आप कितना माशाल्लाह इसका कलर आया है, देख सकते हो। ऐसे ही हम सारी तंदूरी रोटी तैयार कर लेंगे। देखिए ये मेरी लास्ट रोटी है। अब मैं ये देखिए हमारी सारी रोटियां बन गई है। अब मैं इसे भी ऐसे करके तवे से निकाल लूंगी। ये देखिए अब इस पर मैं ये जो तेल था हमारा, हम ये तेल इस पर लगा देंगे। ये हमारी तंदूरी रोटियां खाने के लिए तैयार है। ये देखिए आप लोग को ये कैसी लगी मेरी रेसिपी तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मुझे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। अल्लाह हाफिज़।